नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रोल बनाएंगे, पिज़्ज़ा रोल कैसे बनता है देखते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी बोली है सूजी बारीक वाली, 1 कटोरी ये हो गया और कुछ ऊपर से, तो 1.5 कटोरी मतलब सूजी है ये। 1.5 कटोरी सूजी में नाप के द्वारा तो मैं दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसा, ये देखिए 1.5 कटोरी सूजी हो गई है, कुछ और हो गए। अब इसको हम इसमें दही मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। ये हम 1 चम्मच ये वाला मैंने नमक डाला है। अब थोड़ा दही डालेंगे, ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा होता है जो मीठा सोडा, वही है ये। अब हमने 1.5 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी दही लेंगे हम। अब 1 कटोरी में यही कटोरी भर के दही लेंगे। अब 1 कटोरी में ये देखेंगे कितना लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको माड़ेंगे। ये मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दही है, मैंने 1 कटोरी लिया है। अब इसमें हम दही से आटे से थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे, जितना भी लगेगा उतना लगाएंगे। अच्छे से गूंद के इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। क्या है ना, अगर हम एकदम पूरा डाल देंगे तो शायद वो ज़्यादा पतला हो गया ना, तो नहीं अच्छा लगेगा। वैसे 1 कटोरी लग जाएगा पूरा, थोड़ा बहुत बचेगा बचेगा तो, नहीं पूरा लग जाएगा। ये देखिए हमने पूरा दही डाल दिया है। अब बनके तैयार हो गया डो, क्या बस इतना ही हमें थोड़ा पतला सा करना है। और इसको ढक के प्लेट से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इसको हम भरने के लिए जो इसके अंदर मसाला भरेंगे उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। हमने ये गोभी ली है, पत्ता गोभी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। ये शिमला मिर्च है जो मैंने पहले ही काट के रख रखी थी सारी बारीक। ये गाजर है, गाजर हमने थोड़ी थोड़ी घिस ली थी, 2 गाजर हैं जो घिसने से इतनी बारीक है। हमने सारे बारीक बारीक काट लिए हैं। सब्जी आप अपने पसंद की ले सकते हो, जो भी ये मौसम के अनुसार चल रही हैं वो ले सकते हो। मैंने यही पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च गाजर है वही लिया है। अब इसमें 2 मिर्च हरी डालेंगे हम, चटपटा बनेगा, अच्छा लगता है और झटपट बनने वाला भी है। चाय और नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में खा सकते हो आप हल्का फुल्का। हम अब ये धनिया काट रहे हैं, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे इसमें। ये हमारी इसकी भरने के लिए तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, तभी तो आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी और मेरा भी मन होगा बनाने के लिए कि हाँ लोग आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं नई नई वीडियो बना सकती हूँ। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, इसलिए आप सपोर्ट कीजिएगा। ये देखो कितनी अच्छी, हमने इसको सारा मिक्स कर लिया। नमक मिर्ची, हमें मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 मिर्ची काटी है इसमें हरी, और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है थोड़ा पिसा हुआ। अब जी एक तरफ रख देते हैं, तैयार हो गया हमारा मसाला। अब अपना डो देख लेते हैं, डो बन के हमारा तैयार हो गया है। इसको हम 2 भागों में कर लेते हैं, 2 बड़ी बड़ी लोई बना लेते हैं। जितना भी बड़ा आप, 2 बन जाए, 3 बन जाए, जितना आप आटा ले रहे हो
उस हिसाब से जितनी बनाओ, मैंने दो लोई बनाई है, दो जगह हिस्से में बांट। अब इसको हम चकले पे थोड़ा बेलेंगे, या तो इसमें मैदा लगा लीजिएगा या फिर आप तेल लगा लीजिए। और ये मेरा इडली बर्तन है, ये जल गया था थोड़ा, मैंने इसमें इडली बनाई तो नहीं ध्यान दिया तो ये जल गया है। वैसे सही है, इसमें मैंने पानी भरा है 2 गिलास। अब जब तक हम इसको बेलते हैं, एक रोटी की तरह इसको, मतलब जितनी बड़ी हो सके उस हिसाब से पतली सी रोटी बेलनी है आपको। ये देखिए मैं पतली सी रोटी बेल रही हूँ, इस चकले के बराबर ही बेल रहे हैं। आप इससे बड़ी कर सकते हो, चौकी बोर्ड पे भी बनाकर बना सकते हो, मैं चकले पे ही बना रही हूँ। इसी हिसाब से बस ये देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है, रोटी हमारी पूरी बन गई है। इस हिसाब से अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको कई पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनता है, घर का पिज़्ज़ा सॉस है ये भी, मैंने घर का ही बनाया है। इसको मैं पूरे पे फैला लूँगी अच्छे से। यह मैंने अब इसमें जो हमने बनाया था ना गोभी का और मसाले का, वो सब भरना है, इसी में भर देंगे हम। ये देखिए हम पूरा भर देंगे इसको अच्छे से और पूरे में फैला देंगे अच्छे। ये देखिए मैं इसको पूरे में फैला रही हूँ, क्या बढ़िया लग रहा है खाने में भी, ये ऐसे लगेगा जैसे कि पिज़्ज़ा के जैसा स्वाद आएगा, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी चटपटा बनेगा, अच्छा बनता है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, एक बार तो बना के देखिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। लॉकडाउन में कहाँ जाएं बना खाने के लिए, छुट्टियाँ बंद हैं, स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर का भी खाना ठीक नहीं है, इसलिए आप घर में बनाइएगा। यदि अब इसको हम इसको रोल करेंगे अच्छे से, धीरे से धीरे इसको पूरा गोल कर देंगे, इसी तरह से पूरा पलटते जाएंगे। हम रोल कर रहे हैं इसको, ये हमारा रोल हो गया है तैयार। इसको अच्छे, ये आसपास से जब निकलता है हमारा मसाला तो हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, दोनों तरफ से बंद कर देंगे मसाला ना निकले। रोल हमारा बनके तैयार हो गया है, और दूसरा रोल भी हम बनाएंगे इसी तरह से। ये आसपास किनारियों से बंद कर देना है क्योंकि फैलता है निकलेगा, और इस तरीके से रख देना है। अगर आपके पास इडली बर्तन नहीं है तो एक चलनी लेना और भगोनी लेना, उस भगोनी में पानी डालो 2 गिलास और चलनी रख दीजिएगा, जो स्टील वाली चलनी आती है वो रख दी उस चलनी में, उसमें रोल रख दीजिएगा, ऊपर से रख दीजिएगा। अब दूसरा भी मैं ऐसे ही बनाएंगे, दोनों सेम टू हैं सेम। अब दूसरा ये मैंने पिज्जा डाला है, वो जो क्रिबो आती है इसकी चीज़ घिसने वाली, इस पर मैंने चीज़ घिस दी है थोड़ी सी, और इसमें भी हम ये उसी तरह से मसाला भर देंगे, ये पूरा हम गोभी वाला जो हमने बनाया था। देखिए हमने इसमें पूरा भर दिया है, अब इसको भी हम उसी तरीके से रोल करेंगे जो पहले किया था। ये दोनों हमारे बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिएगा। अब हम इसको काट देते हैं, सिक्के तैयार, 5 मिनट के लिए हमने बंद किया, 10 और 5 मिनट में बन जाते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे, तड़के के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल लिया है इसमें, और कड़ी पत्ता डालना है, ये मैंने कड़ी पत्ता डाला है, सफ़ेद तिल डाले हैं और राई डाली है, बस उसका ही छौंक लगाया है। इसके बाद इसके ऊपर से छौंक लगा दीजिएगा, और छौंक आप अपनी पसंद का भी लगा सकते हैं, जीरे का भी लगा सकते हैं,
जो आपको आसान लगे वैसे उस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने यही लगाया। अब ये चीज़ हम पूरे में घिस देते हैं। ये चीज़ घिस दी हमने और बनके हमारा अब ये तैयार हो गया है। बताइएगा कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमारा पिज़्ज़ा रोल बनके तैयार हो गया है, देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।